अब हम आपको दिखाने वाले न्यूक्लियर वॉर के तीन सिग्नल, ये सिग्नल बता रहे हैं 23 के एटमी पिक्चर, तीन नए विध्वंसक चैप्टर, ये सिग्नल बता रहे हैं कि कैसे दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक के विध्वंसक बादल मंडरा रहे हैं। नंबर वन, न्यूक्लियर वॉर के तीन सिग्नल क्या हैं? ये देखिए बाप, साना मरीन, फिनलैंड न्यूक्लियर केमिकल थ्रेट के खिलाफ रिजर्व फोर्सेस तैयार कर रहा है और पूरी तैयारी हो रही है। बल्कि पुतिन की एटमी डेडलाइन, मार्च में कुछ बड़ा करेगा रूस, आर्कटिक में न्यूक्लियर सबमरीन, दुनिया को टेंशन देने का सीन जो कि अभी अभी तैयार की गई है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि कुछ तो है जो पक रहा है 2023 के लिए। रूस की न्यूक्लियर थ्रेट के खिलाफ यू का एक्शन, फिनलैंड में थ्रेट से निपटने के लिए रिजर्व बनाएगा यू। केमिकल बायोलॉजिकल हमले के खिलाफ बनेगा रिजर्व, रिजर्व के लिए फिनलैंड को $262 मिलियन दिए गए। रॉयटर्स के हवाले से खबर है। फिनलैंड के एटमी थिएटर की थोड़ा डिटेल्ड आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। न्यूक्लियर वॉर के तीन सिग्नल, फिनलैंड में एटमी थिएटर जो है उसको जरा ध्यान से देखिए। न्यूक्लियर थ्रेट के खिलाफ यूरोपियन यूनियन का रिजर्व नंबर वन, जूम इन कर सकते हैं साहब पूरा वो वहां से। केमिकल बायोलॉजिकल अटैक से निपटने का कवच नेक्स्ट दिखाइए। रिजर्व से सभी यूरोपियन देशों को सुरक्षा मुहैया होगी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में के वक्त फॉरन एक्शन होगा। अब फिनलैंड में यूरोपियन यूनियन के इस थिएटर या रिजर्व को लेकर कुछ बड़े सवाल। रूस की न्यूक्लियर थ्रेट के खिलाफ कैसे काम करेगा रिजर्व? एटमी रिजर्व से यूरोपियन देशों को किस तरह से मदद मिलेगी? क्यों फिनलैंड को ही ईयू ने एटमी रिजर्व बनाने के लिए चुना है? यह रिपोर्ट देखें। $262 मिलियन। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड को न्यूक्लियर रिजर्व का सेटअप करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इतनी बड़ी रकम मुहैया कराई है। इसकी मदद से फिनलैंड में एक ऐसा रिजर्व बनेगा जो रूस की तरफ से न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले के खिलाफ कवच की तरह काम करेगा। रिजर्व के बारे में बताते हुए यूरोपियन यूनियन क्राइसिस मैनेजमेंट कमिश्नर ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता ने दिखा दिया है कि यूरोपियन यूनियन को CBRN खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अब ये रिजर्व कैसे काम करेगा और इस रिजर्व के जरिए कैसे यूरोपीय देशों की मदद की जाएगी, अब जरा वो समझ लीजिए। रिजर्व में रेस्क्यू उपकरण होंगे, मेडिकल सप्लाई जैसे एंटीडॉट्स, रेडिएशन मीटर का स्टॉक होगा। ये रिजर्व न्यूक्लियर या केमिकल खतरे के दौरान उत्तरी यूरोप और बाल्टिक क्षेत्र के देशों में यूरोपियन देशों की सामरिक तैयारी को मजबूत करेगा। 2024 से ये रिजर्व इस्तेमाल के लिए तैयार होगा और यूरोपियन यूनियन ने किसी आपदा या खतरे के हालात में 12 घंटे के अंदर जरूरी सामान सप्लाई का टारगेट तय किया है। गौर करने वाली बात यह है कि आनन फानन में इस रिजर्व के सेटअप का प्लान इसलिए रेडी किया गया है क्योंकि पुतिन की तरफ से पश्चिमी देशों के खिलाफ न्यूक्लियर हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पुतिन ने एक बड़े हमले की डेडलाइन भी सेट कर दी है।